जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में। आपको बता दूँ कि रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही जहाँ मस्जिद में रौनकें लगती हैं, वहीं बाज़ारों में भी जो है वो रौनकें लगना शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन जो है वो बाज़ारों में पहुँच जाती हैं और ख़वातीन में जो है चूड़ियाँ ख़रीदने का रश भी जो है वो देखा जा सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर आप अगर कैमरा मैन दिखाएँ तो पीछे पूरी लाइन जो है वो ख़वातीन की यहाँ पर मौजूद है और चूड़ियाँ पसंद की जा रही हैं। थोड़ा आगे आते जाएँ, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बात करें तो चूड़ियाँ चूँकि ख़वातीन की पहली पसंद है और यहाँ पर ईद उल फितर जो है अभी चूँकि थोड़ी दूर है, तकरीबन माह रमज़ान का पहला शरा है, लेकिन अभी से जो है वो चूड़ियों पर ख़रीदारी का रश लग चुका है। एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई जान, इधर मुँह कीजिएगा, इधर मुँह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, अभी से ही रश लगना शुरू हो गया, क्या वजह है? कोई पता नहीं यार। अच्छा जी, इनको पता ही कोई नहीं जी, इनको कोई पता नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी दुकानदार हजरात हंस रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी यहाँ पे सारे शर्मा रहे हैं, सरगोधा बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, दुकानदार भी बात करने से कतरा रहे हैं। और आगे आते हैं जी, आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई अगर दुकानदार उनसे बात करने की कोशिश करें तो उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भजन, अभी तो पहला अशरा है माह रमज़ान का, अभी थी रश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ खरीद रही है? अभी तो इतना रश नहीं है, लेकिन हो जाएगा, अभी उम्मीद है कि आगे आगे जो है ना दिन गुजरते जाएंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी काम में। चूड़ियों में कौन कौन सी वैरायटी अभी ज़्यादा पसंद की जा रही है? कॉर्पोरेशन वाले लोग बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा। वो लगने नहीं देते, दुकान लगाते हैं, जब काम शुरू होता है तो वो आके यहाँ पे हबड़ा दबड़ी कर देते हैं। चले हबड़ा दबड़ी तो अगर और बात है, चूड़ियों के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो जरा सजेस्ट किए, खवातीन भी आपको देख रही हैं, कौन सी ऐसी चूड़ी है जो अच्छी, पहनने में भी अच्छी लगे, खूबसूरत भी लगे? जी ये सारी स्टैंड में लगी हुई हैं। बताएं इनका नाम भी होता है? अलबेला चूड़ी है, ये मेटल की चूड़ी होती है, ये ज़्यादातर चलती है, बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल ये वाली। अच्छा जी, अलबेला नाम की जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हम आगे चलते हैं जी, और यहाँ पे रश ज़्यादा है, खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और शॉपिंग में काफ़ी बिजी भी हैं। तो जी हम आगे चलते जाएँगे, दुकानदारों से बात करेंगे, खवातीन तो ज़्यादा शर्मा जाती हैं। अब आइए, अस्सलाम वालेकुम। साहब। अच्छा भाईजान, यहाँ पे अभी रश शुरू हो चुका है, आप दिखा भी रहे हैं। नहीं भाईजान, ये तो कोई रश ही नहीं है। फिर क्या रश कब होना चाहिए? महंगाई है अल्लाह के बंदो, इतना रश ही नहीं है। अच्छा। आप आए ना आज से 3-4 साल पहले, देखें यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी होती, महंगाई की वजह से कीमतें खरीद इतनी महंगी महंगी हो गई हैं, गाह खरीद नहीं सकता। अच्छा जी, दुकानदार महंगाई का भी शिकवा करते दिखाई देते हैं और आगे जाते हैं, खवातीन का रश है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी काफ़ी रश दिखाई देता है, लेकिन दुकानदार फिर भी जो है वो शिकवा गिना है, तो कैसे है? मतलब आप कैसे देखेंगे कि कोई ख़रीदारी है? ज़रूरत की चीज़ है जो लेके जा रहे हैं। अच्छा, महंगाई है, खाली वेले बैठे हुए भाई, देख लो। अच्छा जी, ये भी दुकानदार जो है, कोई खातून बात करना चाहिए, आप बात करना चाहिए जी, क्या चीज खरीदने के लिए आई है? एक मिनट, एक खातून बात करने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बात नहीं। अच्छा जी, कोई भी यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है भाई, महंगाई ज्यादा है, शॉपिंग भी कर रही है औरतें, लेकिन बात करने को भी तैयार नहीं है, बिजी बहुत ज्यादा लोग हैं। और यहाँ पे मैं हूँ आपका अपना हाफिज मोहसिन अर्जुमंद।